हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और क्लास ट्वेल्थ में आज लेक्चर 103 है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चंस को डिस्कस। फर्स्ट हम देखिए, फाइंड वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस 7j प्लस 7k एंड वेक्टर बी इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 2k। हमें वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। दोनों ही वेक्टर्स हमें गिवन है, पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें। डिटरमिनेंट आई जे के, पहले वेक्टर ए के कंपोनेंट और फिर वेक्टर बी के कंपोनेंट। डिटरमिनेंट को सॉल्व किया और हमें मिल गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, बट हमें क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना था। इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर अंडर द रूट, और सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया। सिंपली बच्चे वेक्टर ए और वेक्टर बी था क्रॉस प्रोडक्ट और देन उसका मैग्नीट्यूड। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वेयर वेक्टर ए इज दिस एंड वेक्टर बी इज दिस। सेम ऐसा हमने एग्जाम्पल किया था, वेक्टर ए है हमारे पास, वेक्टर बी है, हमें क्या निकालना है, वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर किसके हो, इन दोनों वेक्टर्स के। तो पहले ये दोनों वेक्टर्स भी तो निकालने पड़ेंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाला, वेक्टर ए और बी को कंपोनेंट वाइज ऐड करके, और हमने वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, आई जे के फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट और सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट। डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दिया और ये आ गया हमारे पास वेक्टर जो इन दो वेक्टर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। बट हमें क्या निकालना था, अ यूनिट वेक्टर, अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। अगर हम इस वेक्टर को सी मान लें तो यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, ये वेक्टर और नीचे इसका क्या आएगा, मैग्नीट्यूड। तो हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। पहले हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, 16 का स्क्वायर प्लस माइनस में 16 का स्क्वायर प्लस माइनस में 8 का स्क्वायर। सॉल्व करें, 16 और 16 की गुना 256, 256 और ये 64, जरा इनको ऐड करें, 6 6 12 और 4 16 576 और ये आता है 24। ठीक है, तो हमने इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है और ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर। अब एक चीज और, हमने क्या पढ़ा था कि इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर दो वेक्टर होते हैं, एक ये और एक ये, डायरेक्शन का फर्क है। तो अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर इज गिवन बाय, हमने क्या किया, इसको प्लस का भी ले लिया सिंपली और माइनस का भी ले लिया, दोनों ही आ गए यहाँ पे। क्रॉस प्रोडक्ट तो की हुई थी, फिर नीचे उसका मैग्नीट्यूड, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बना, 24, 8 से कट जाएगा 3, क्या आएंगे वेक्टर, प्लस माइनस 2/3i माइनस प्लस 2/3j माइनस प्लस 1/3k। तो वेक्टर्स एक तो आएगा प्लस 2/3i माइनस 2/3j माइनस 1/3k और दूसरा वेक्टर क्या आएगा, माइनस 2/3i प्लस 2/3j प्लस 1/3k। एक वेक्टर निकालना है, आप एक भी दिखा सकते हैं, बट ये दोनों ही वेक्टर क्या आएंगे, इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आएंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस जो हमने एग्जांपल में किया था। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ अ यूनिट वेक्टर ए दैट मेक्स एंगल π/3 विद आई, π/4 विद जे एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद के, देन फाइंड थीटा। तो पहले तो आपको ये थीटा निकालना है, एनहेंस द कंपोनेंट ऑफ ए, फिर वेक्टर ए के कंपोनेंट भी निकालने हैं। तो पहले हम वेक्टर ए को मान ले, a1i प्लस a2j प्लस a3k, हमें क्या दिया हुआ है, ये यूनिट वेक्टर दिया है, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने क्या कह रहा है कि i के साथ ये क्या बना रहा है, π/3 एंगल बना रहा है, मतलब वेक्टर का और i के बीच का एंगल क्या है, π/3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos π/3 इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर आई और नीचे इनका मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, अब ए की और जब आई की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट ही बचेगा, क्योंकि जे और आई की डॉट प्रोडक्ट 0, के और आई की डॉट प्रोडक्ट भी 0। करके देख लेते हैं, वेक्टर ए क्या है,
a1i प्लस a2j प्लस a3k। अगर इसकी डॉट प्रोडक्ट i के साथ करते हैं तो a1 ही बचेगा। यहाँ पे वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 1 है, ये तो यूनिट वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है 1 है, और ये आगे हमारे पास a1 की वैल्यू। नेक्स्ट हमें क्या कहा गया था कि j के साथ पाई बाय 4 एंगल बना रहा है, तो हमने एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड j निकाला, तो वहां से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, a2 मिल गई। फिर हमें कहा गया कि k के साथ वो एंगल बना रहा है थीटा, तो यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, a3 की निकाल ली। अबे सबसे पहले क्या निकालना है, थीटा निकालना है। अब थीटा कैसे निकलेगा, ऑब्वियसली गिवन का यूज होगा। गिवन में क्या कह रखा है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमें निकालना आता ही है, क्या आएगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर और अंडर द रूट, मैग्नीट्यूड ये निकलेगा, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये 1 के बराबर है। स्क्वायर हटा दे, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, ये 1 के बराबर ही आएगा। a1 a2 a3 की वैल्यू रखिए, a1 की जगह 1/2 रखा तो क्या आया 1/4, a2 की जगह 1/√2 लिखा तो क्या आया 1/2, a3 की जगह क्या आएगा, cos थीटा है मतलब cos स्क्वायर थीटा। यहां से हम cos स्क्वायर थीटा को एक तरफ रखते हैं, बाकी टर्म को दूसरी तरफ। सिंप्लीफाई करें, एलसीएम 4-1-2, cos स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या आया 1/4, cos थीटा की वैल्यू क्या आई है 1/2, और ये होती है आपके पास π/3 पे, cos π/3 पे। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास π/3। तो फर्स्ट तो हमें क्या निकालना था, थीटा ही निकालना था। फिर हमने कंपोनेंट निकालने थे, a1 है हमारे पास बिल्कुल है, a2 है हमारे पास बिल्कुल है, a3 और निकाल लेते हम। a3 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दो cos π/3, a3 की वैल्यू भी क्या आएगी आपके पास 1/2। तो कंपोनेंट क्या आए, 1/2, 1/√2 और 1/2। ठीक है बेटा, सारे क्वेश्चन को दोबारा देखिए जरा। हमें एक यूनिट वेक्टर ए दिया हुआ था जो आई के साथ पाई बाय 3, जे के साथ पाई बाय 4 और के साथ थीटा एंगल बना रहा था। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला लगा के जब ए और आई के बीच का एंगल पाई बाय 3 बन रहा है, वहां से a1 की वैल्यू आ रही है। ए और जे वेक्टर के बीच में पाई बाय 4 का एंगल बन रहा है, तब a2 की वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे हमें मिला cos थीटा इक्वल टू a3। अब गिवन का यूज किया हमने क्या कि वेक्टर ए हमें यूनिट वेक्टर दिया हुआ था, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन लगाई, वहां से सिंप्लीफाई किया और हमें क्या मिल गया, थीटा, और हमें थीटा ही निकालना था। और जैसे ही थीटा निकल जाएगा हमें मिल जाएगी a3 की वैल्यू, और हमें a1 a2 a3 भी निकालने थे क्योंकि यही क्या थे, कंपोनेंट्स थे हमारे वेक्टर a के। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर a क्रॉस b। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, सॉल्व करते हैं। a माइनस b की a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट और a माइनस b की फिर b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। a की a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, माइनस में b क्रॉस a, a क्रॉस b और माइनस में b क्रॉस b। अब हमें पता है किसी भी वेक्टर की उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, 0, रिटर्न तो 0 हो गए। माइनस में b क्रॉस a को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस में a क्रॉस b, और ये हो गया हमारे पास 2 टाइम a क्रॉस b, और यही क्या थी, राइट हैंड साइड थी। सिंपली जिस तरह से हम ब्रैकेट्स को सॉल्व कर रहे हैं उसी तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर रहे हैं। बाद में फिर क्रॉस प्रोडक्ट की हमने प्रॉपर्टी लगा दी है और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i प्लस 6j प्लस 27k, क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ हो रही है, आई प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के इक्वल टू 0 वेक्टर। अगर इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो एक तो आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और एक आपको म्यू की वैल्यू निकालनी है। देखिए जरा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। गिवन हमें क्रॉस प्रोडक्ट दे रखी है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब हम डिटर्मिनेंट आई जे के फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट और सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट। यहां पे हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं, आई इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस में जे, जे की रो और जे की कॉलम को हटाया,
इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, फिर के की रो और कॉलम को हटाया तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर का मतलब जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की और म्यू की। अब देखिए जरा, यहाँ से अगर हम के कोफिशियंट को कंपेयर कर दें तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ से जे के कोफिशियंट को कंपेयर कर दें तो म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। हमें यही वैल्यू निकालनी थी, म्यू की और लैम्डा की। सिंपली जैसे क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं वैसे ही डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया और कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को इक्वल करते ही लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल गई। अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 है और दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर है, उन्हीं दो वेक्टर्स की बात हो रही है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए एंड वेक्टर्स बी, आप उन दो वेक्टर्स के बारे में क्या कंक्लूशन निकाल सकते हैं। हमें क्या दिया हुआ है कि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 है, भाई या तो वेक्टर ए 0 है या वेक्टर बी 0 है, और अगर ये नॉन जीरो है दोनों ही तो मतलब क्या है, वेक्टर परपेंडिकुलर है। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर की 0 है, या तो वेक्टर ए 0 है या वेक्टर बी 0 है, अगर ये दोनों नॉन जीरो हैं तो मतलब ये वेक्टर क्या है, पैरेलल है। अब हमें पता है कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर और पैरेलल तो साथ साथ हो नहीं सकते, मतलब इन्हीं में से एक कंडीशन लागू होगी, या तो वेक्टर ए 0 होगा या वेक्टर बी 0 होगा, या फिर क्या कहें कि इनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, 0 होंगे, एक ही बात है। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज रिलेटेड 6 सम ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। होप कि आपको ये 6 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में से नोट्स ले लीजिएगा और फिर नोटबुक मेंटेन कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।